करनाल की बेटी प्रिया गुप्ता ने हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा में तीसरा रैंक हासिल किया है। इससे पहले राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में प्रिया गुप्ता ने छठा रैंक हासिल किया था। प्रिया गुप्ता करनाल के सेक्टर 8 की रहने वाली है और उसके पिता राजेंद्र कुमार गुप्ता एडवोकेट है। प्रिया ने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे परीक्षा की तैयारी करती थी। प्रिया गुप्ता हरियाणा में ज्वाइनिंग को प्राथमिकता देगी। परिवार मूलतः बड़ौता गांव का रहने वाला है। पिछले करीब 20 वर्षों से करनाल के सेक्टर 8 में रह रहे हैं। उसने अपने पहले प्रयास में परीक्षा पास की है। प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, पिता एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता, माँ अनीता गुप्ता, भाई और बहन को दिया है। प्रिया ने कहा कि अभिभावक बेटियों को खूब पढ़ाए और उन्हें खुले मन से आगे बढ़ने दें। प्रिया की मां अनीता गुप्ता ने बताया कि बचपन से ही जज बनने का सपना था। प्रिया के पिता राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रिया बहुत मेहनती हैं। मुझे उम्मीद है कि वह समाज के हर व्यक्ति को न्याय देगी। प्रिया ने कहा कि पहले प्रयास में परीक्षा पास करना सुखद एहसास है। LLB करते समय मैंने न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया था। मेरी प्राथमिकता पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना होगी। अदालतों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। आपको बता दें कि प्रिया गुप्ता बनर्जी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रही थी। उनकी इस सफलता पर सेंटर में खुशी का माहौल है। इस मौके पर प्रिया गुप्ता का मुंह मीठा करवाकर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं पर मिहर बनर्जी ने बताया कि प्रिया गुप्ता अपनी पढ़ाई के प्रति बड़ी लगनशील रहती थी, जिससे वह इस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रही है। उन्होंने प्रिया गुप्ता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इससे अन्य लड़कियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाती है। देखिए एक रिपोर्ट। हाँ जी, आपकी स्टूडेंट ने अचीवमेंट हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उज्जवल भविष्य के लिए इनके? मैं बहुत खुश हूँ बिटिया के लिए कि उसका सिलेक्शन हुआ है जुडिशरी में। और वो मेरी स्टूडेंट तो नहीं, हाँ मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट रही है। उन्होंने उसे इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया है और उनका यही रिकॉर्ड रहा है कि वो जिस भी कॉम्पिटिशन के लिए इंटरव्यू प्रिपेयर करवाते हैं, चाहे वो जुडिशरी में रहा हो या IAS में, तो बच्चे को सक्सेस ज़रूर मिलती है। और मुझे लगता है इस चीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और ये चीज़ें बच्चे लेकर अपने आप ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि गॉड ने एक और गुड न्यूज़ ऐड करी है हमारी लाइफ में। सो इस बच्ची के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। एंड जैसे इस बच्ची ने करा है, ऐसी और भी घरों की बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि आउट ऑफ 14 सिलेक्शंस इन हरियाणा जुडिशरी, इट इज़ 10 पोजीशंस हैव बीन गेन्ड बाय गर्ल्स। सो इट मींस कि गर्ल्स कैन डू लॉट। द ओनली थिंग इज वी नीड टू बी सपोर्टिव एज पेरेंट्स एंड देन एज लाइक टीचर्स एंड ऑल्सो आफ्टर मैरिज ऑल्सो दे नीड अ लिटिल सपोर्ट। सो लॉट कैन बी डन। सो मेरा मैसेज यही है कि हम अपने देश को बदल सकते हैं और ऑलरेडी देश उस राह पर है, तो हम सबको अपनी बेटियों को सपोर्ट करना होगा। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है प्रिया गुप्ता, जो हरियाणा जुडिशियल की परीक्षा में तीसरे स्थान पर आई है। कौन सी पोजीशन आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मेरा हरियाणा जुडिशियल में 3rd रैंक आया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सबके पास यहाँ पे अपने इंटरव्यू की कोचिंग लेने आई थी। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर बैनर्जी सर, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड किया एंड आई हैव स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन माई इंटरव्यू ऑल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट्स इट। किस तरह मेहनत करते थे आप इसके लिए? सर जैसे मैंने कोचिंग ली है चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ से मैंने 1.5 साल सेल्फ स्टडी करी है। अपनी कोचिंग मैंने अपने LLB टाइम पे कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी और आफ्टर दैट आई गिव राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज ऑल्सो। आई गॉट सेलेक्टेड इन विद 6th रैंक इन राजस्थान एंड आफ्टर दैट आई अपेयर फॉर हरियाणा एंड हरियाणा में मेरा 3rd रैंक आया। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस बात के लिए? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा है मेरे इस जर्नी में और मुझे हमेशा हर कदम पे मोटिवेट करा है, मेरे भाई बहन ने। और बस उन्हीं के आज ब्लेसिंग से, मेरी फैमिली के ब्लेसिंग से ही मैं बनी हूँ और मेरी मेहनत तो थी ही बट उनकी ब्लेसिंग्स भी हमेशा मेरे साथ थी। दूसरे स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारी लड़कियों को बस यही कहना चाहती हूँ कि हर एक लड़की अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी मायने में अपने आप को लड़कों से कम मत समझें, अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है
और मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। और बस हार मत मानिए कि ऐसे अगर कहीं एक आधी जगह पे हमारा नहीं होता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम रुक जाते हैं, बट अपने आप को मोटिवेट करिए और अपने ड्रीम को अचीव करिए एंड डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। शुरुआत में कहाँ से स्टडी की आपने, कहाँ से आपने शुरुआत? मेरी स्कूलिंग सेक्टर 7 से है, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7। उसके बाद मैंने लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है, LLM भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही करी है। कितने घंटे स्टडी करते थे आप? क्या जैसे LLM के टाइम पे जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मेरा पूरा दिन ही मेरी पढ़ाई को ही जाता था, डेडिकेटेड था। तो सुबह उठ के जैसे मैं 7 से 8 घंटे अगर मैं किसी दिन पढ़ लेती थी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। अगर 7 से 8 घंटे का टारगेट बनाती थी तो मेरा 6 साढ़े 6 घंटे मेरी हो पाती थी पढ़ाई, कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस थोड़ा कम रहता है, बाकी मैं कोशिश करती थी कि पूरा दिन अपना उसी को दूँ। इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? क्या मेरी हॉबीज बैडमिंटन है, आई बीन बैडमिंटन प्लेयर इन माई स्कूलिंग ऑल्सो एंड आई प्ले मैनी अदर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल एंड अदर थिंग्स। सो आई हैव ऑल्सो बीन एन एथलेटिक इन माई स्कूल, सो ऑल दैट आर माई लाइक आई परस्यू दिस टूडे ऑल्सो। भविष्य के लिए उज्ज्वल शुभकामनाएं। हाँ जी, आपके सेंटर में आई है गुड़िया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ प्रिया को और इनके मदर फादर को। सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, पेरेंट्स का जो माहौल देते हैं घर में पढ़ने का और बच्चे की जो डिटर्मिनेशन होती है उसको भी सलाम हमारी तरफ से बनता है। लेकिन प्रिया के जो हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में ऐसे जुडिशियल में आए हैं वो अपने आप में हमारा जो मनोबल है और बढ़ाते हैं। इससे पहले स्वाति शर्मा जो है उनका MP में हाईएस्ट स्कोर रहा इतिहास में और अब इन्होंने स्कोर जो है 157 लिया, तो ये अपने आप में जो हम मैं अगर अपनी बात करूँ जो फ्रस्ट्रेशन जज ना बनकर मेरे अंदर थी, अब मैं समझता हूँ कि एक इंटरव्यू एक ऐसे जैसे कि चेस बोर्ड और मैं अपने प्यादों को आगे बढ़ाकर चेकमेट करना पसंद करता हूँ। यही एक पैशन है एंड वी डोंट वर्क फॉर मनी, इट्स बेसिकली एक पैशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन और फेलियर्स को कन्वर्ट करने का सक्सेस में और अकम्पलिशमेंट्स में, वो ये बेस्ट तरीका मैं समझता हूँ और ये बहुत सूदिंग होता है हमारे लिए। आज दिवाली भी है और क्रिसमस भी है और ईद भी है क्योंकि हमारी स्टूडेंट जो है वो उसने टॉप किया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।